नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्पल पैनल में, जहां हम आपको बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी बातों की जानकारी देते हैं। आज के समय में लगभग नौकरी पेशा हर शख्स के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। इनकी मदद से वो शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के कई तरीके हैं, लेकिन लोग क्रेड ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं, अच्छा खासा रिवॉर्ड लेते हैं। इसके फाउंडर कुणाल शाह क्रेड ऐप को आज भारत की बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों में तब्दील कर दिया है। क्या आपको पता है कि उन्हें इस स्टार्टअप का आइडिया आया कहां से? चलिए आज हम आपको क्रेड की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कुणाल शाह को क्रेड का आइडिया एक फॉरेन टूर से आया। वहां उन्होंने देखा कि लोग बेहतर काम करने पर आपको एनकरेज करते हैं, इसी वजह से उन्होंने लोगों को उनकी अच्छी आदत के लिए रिवॉर्ड देने की सोची। इसी थीम पर उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की यात्रा कुणाल शाह ने पैसे बैंक से शुरू की थी। ये कैशबैक ऑफर वाली कंपनी थी। साल 2010 में शुरू की गई पैसा बैंक को कुछ दिन बाद ही बंद कर दिया गया। इसके बाद फ्री चार्ज पर दोनों ने काम किया। अप्रैल 2015 में फ्री चार्ज को स्नैपडील ने खरीद दिया। साल 2018 में बनी क्रेड 6 अप्रैल 2021 को यूनिकॉर्न बन गई थी। एक्सिस बैंक ने जुलाई 2017 में फ्री चार्ज को खरीद लिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को उनका आइडिया जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा उन्होंने यूजर्स को कई और सहूलियत दी। इससे पहले भी उनके दो स्टार्टअप खासे लोकप्रिय और सफल हुए थे। क्रेड, जो कि एक फिनटेक कंपनी है जो बैंगलोर में लोकेटेड है, इस मोबाइल ऐप के जरिए यूजर एक ही जगह पर कई क्रेडिट कार्ड को मैनेज करते हैं। इसके अलावा वो यूजर को रियल टाइम में उसका क्रेडिट स्कोर बताता है। साल 2018 में इस कंपनी को पहली सफलता मिली जब इसे नवंबर 2018 में $30 मिलियन की फंडिंग मिली। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अगले दो सालों में क्रेड ने तेजी से ग्रोथ करते हुए सीरीज ए और सीरीज बी की फंडिंग में $90 मिलियन जुटाए। आज क्रेड का रेवेन्यू 393 करोड़ रुपए है। इस कंपनी में मौजूदा समय में 800 लोग काम करते हैं। कुणाल शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलोसफी में बीए की डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई करने की सोची, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का प्रण लिया। क्रेड ऐप की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस क्रेड का इस्तेमाल करते हैं। पूरे भारत में करीब 20% लोग क्रेड ऐप से क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। साल 2020-22 के दौरान आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी क्रेड ऐप। क्रेड ऐप की खासियत यह है कि वो एक ही शख्स इसका मेंबर बन सकता है जिसका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्पल पैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।